अस्सलामुअलैकुम भाई जान, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के हुज़ूर ईमान में होंगे। अच्छा जी, मेरे सेटअप पर कुछ नए मुर्गे आए हैं जी, तो मेरा ये शौक़ था, वैसे दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने भाइयों को भी उनका शौक करवाऊँ। आपको पता है कि मेरे सेटअप पर जब भी कोई चीज़ आती है तो मैं उसकी वीडियो बना के आप भाइयों के साथ लाजमी शेयर करता हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, देख सकते हैं, मैं छत के ऊपर आया था अभी, तो काफ़ी प्यारा बादल बना हुआ है ऊपर, देख सकते हैं आप। वेदर इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल जी, बड़ा ही अच्छा मौसम है, देख सकते हैं आप। तो छत के ऊपर मैं आ गया था, मैंने कहा चले कैमरा वगैरह लगा के एक वीडियो बना के ना, ब्लॉग की वीडियो अपने भाइयों के साथ शेयर करते हैं। तो मुर्गों के मतलब आपको थोड़ा सा बताते हैं जी, कौन सी नस्लें हैं उनकी, ठीक है, क्वालिटी वाइज वो मुर्गे कैसे हैं। तो नए जो दोस्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि असील मुर्गों के मतलब जो प्यारी प्यारी वीडियोस होती है ना, वो आप तक पहुँचती रहे। तो अभी बैक कैमरा करते हैं मोबाइल का जी, और सारा आपको टोटली व्यू करवाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जी हमारे पास, जो नए शकीन भाई हैं वो भी देख रहे हैं, और जो पुराने हैं हमारे सब्सक्राइबर उनको तो सारा पता है, ठीक है जी। अभी बैक कैमरा करते हैं मोबाइल का, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ये तो मोबाइल का बैक कैमरा मैंने कर लिया है। सबसे पहले आप आसमानों का व्यू चेक करें ज़रा, माशाल्लाह सूरज अभी निकल है, तो ये देखें किस कदर ये यानी कि दिलकश मंजर बना हुआ है, बिल्कुल गहरे बादल से बने हुए हैं, ठीक है, ये आसमानों का व्यू है। परिंदे उड़ रहे हैं जी, देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा मौसम बना हुआ है छत के ऊपर। तो अभी हम आते हैं मुर्गों की तरफ। तो जी सबसे पहले ये सेठा मुर्गा मेरे सामने खड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप, माशाल्लाह कलर देखें जी इसका कितना प्यारा है, ठीक है। नलियों से शुरू करते हैं हम, ठीक है, देखिए बिल्कुल खुश्क नली के अंदर है जी, ठीक है, देख सकते हैं आप। अभी डोडे भी नहीं निकाले इसने, ठीक है, तो ये देखिए अब इसके चेहरे का दीदार करें, माशाल्लाह देखें, आँख देखें जी, बारीक आँख है, लाल डोरे वाली आँख है जिसकी, ठीक है, देख सकते हैं आप, मजबूत गर्दन, मजबूत गंड जोड़ के अंदर मुर्गा है ये वाला, ठीक है। बस जूम आउट कर देता हूँ मैं ताकि आपको सही तरह नज़र आ सके, ये देखें जी स्लेटा कलर के अंदर मुर्गा है जी, माशाल्लाह पट्ठे अभी अभी अपनी थोड़ी सी हाइट और इनक्रीज़ करेगा, और अभी ये क्रीज़ के अंदर है, ठीक है, अभी ये क्रीज़ के अंदर है, देख सकते हैं अभी धूम के पर भी यानी कि इसने गिरा दिए हैं सारे, तो अभी ये सेट कर रहे हैं अपने आप को, माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त मियाँ वाली ब्रीड के अंदर है जी, ठीक है। स्लेटा रंग है इसका, तो कुछ लोग स्लेटा सील कहेंगे, लेकिन जो इसका बेसिकली जो है बैकअप वो मियाँ वाली है, लंबे चेहरे के अंदर है, ठीक है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ठीक है। इसके साथ मैंने जो मादी है ज़ीरो साइज़ मियाँ वाली, उस मादी तो कुड़क हुई है, वैसे इसके साथ मैंने छोड़ी है इसका दिल लगने के लिए, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो अभी हम दूसरी साइड पर चलते हैं, ये अपना मराठी बादशाह जी, इसको सारे भाई जानते हैं तकरीबन, सब कुछ पता है इसका, ठीक है, ये इंडियन ब्रीड है जी मराठी, ठीक है, छोटे कद वाली ब्रीड होती है ये वाली, इंडियन ब्रीड होती है, और इंतहाई पक्के जोड़ों के साथ ही होती है। इनके जोड़ों की हम अगर बात करें तो कोई शक नहीं है, इसकी गर्दन देखें आप, ठीक है, इसका मुँह देखें आप, ठीक है, शौक करें इसके मुँह का, और जिस्म देखें आप इसका, माशाल्लाह जेर दूँ मैं फूल, ठीक है, मराठी, ठीक है। ये सामने जी खड़ा हुआ जावा, ये जावा पट्ठा है जी, घर का पट्ठा है ये वाला, अभी जब पिछली वीडियो में आपने देखा है बिल्कुल छोटा था ये, अब तो माशाल्लाह काफ़ी सेट हो गया ये, ठीक है, देखिए खुश्क नली के अंदर है जी, ठीक है, ये खड़ा हुआ है जी, ठीक है, उसके नीचे ये है जी, देखिए जी मियाँ वाली पट्ठा है जी, ठीक है, मियाँ वाली कह जी, इसको पीने में बंद इसलिए किया हुआ है, ये उसी के साथ फाइट करता है, ये दोनों आपस में फ़ाइट करते हैं, ठीक है, जब कभी ये लग जाते हैं तो फिर ये बाज नहीं आते, इन्हें खुद यानी कि छुड़वाना पड़ता है, ये दोनों भाई थे लेकिन अब इन दोनों की दुश्मनी होगी आपस में, ठीक है जी, इसलिए ये दोनों आपस में बहुत फाइट करते हैं, ठीक है। वैसे तो खौंसी और भी पड़े हुए हैं इनको लग करने के लिए, लेकिन मैंने उसे खुला छोड़ा हुआ है, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट कर ली है, ठीक है। तो भी हम चलते हैं इस तरफ आ जाएँ जी, ये देख सकते हैं आप, ये प्योर जी मियाँ वाली के अंदर है, प्योर मियाँ वाली, देख सकते हैं आप, माशाल्लाह ब्रीडर है ये मियाँ वाली का, ठीक है, देख सकते हैं मजबूत गंड जोड़ के अंदर है, इंतहाई मजबूत है, बारीक आँख है इसकी, कैमरा थोड़ा फोकस नहीं कर रहा इसके ऊपर, ये देख सकते हैं आप, बारीक आँख है और मजबूत गंड जोड़ के अंदर है ये, ठीक है, मियाँ वाली का ये इंतहाई कीलकारी मुर्गा जिसे कहते हैं ना, इंतहाई कीलकारी, ये वो मुर्गा है, कीलकारी वाला मुर्गा ये, और माशाल्लाह टू टाइम ये विनर रह चुका है। तो अभी देखें, अभी इसके कील काट के इसको हमने ब्रीडर कर देना है बस, अभी इसके कील नहीं काटे, ये देखें मैं कीलों पे फोकस कर रहा हूँ, अगर कैमरा हो रहा है तो फोकस, तो ये देख सकते हैं, ठीक है, नलियाँ चेक करें इसकी, इंतहाई खुश्क नली है इसकी, देख सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं
ये देखिए चेहरा चेक करें, माशाल्लाह देख सकते हैं ये आंख के ऊपर इसके मच्छर ने काटा हुआ है, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इसका। ये देखें इंतहाई कीलकारी बाज मुर्गा है जी, बिल्कुल कीलकारी बाज मुर्गा है जी, ठीक है मियाँ वाली नस्ल के अंदर है जी, प्योर मियाँ वाली देख सकते हैं आप। ये साथ इसके मादी लगाई हुई है जी, लसानी मादी इसके साथ लगाई हुई है मैंने, ठीक है ये देख सकते हैं आप, प्योर लसानी मादी इसके साथ लगाई हुई है, ठीक है आगे चलते हैं जी। आगे ये जी अपना टरला है, बहुत सारे भाई इसको जानते हैं, ये टरला पलीसी के अंदर जो मुर्गे होते हैं ये 2-in-1 होते हैं, ये असील में भी असील का भी क्रॉस होते हैं और देसी का भी क्रॉस होते हैं, ठीक है लेकिन लड़ाई में ये बड़े तेज़ होते हैं, ठीक है बहुत तेज़ तरीन मुर्गे हैं लड़ाई में ये, इन जैसी लड़ाई कह लेंगे, असील की लड़ाई होती है स्लो, इनकी लड़ाई होती है बड़ी तेज़, लड़ाई असल टरले की देखने वाली होती है, स्पीड से लड़ते हैं बहुत स्पीड से, लेकिन एक बुरी बात होती है जब एंड पे मार पड़ने की बारी आती है फिर ये मैदान छोड़ के अक्सर भाग भी जाते हैं, ठीक है ये चीज़ है, ये टरला है जी, ठीक है देख सकते हैं, ये तो मैंने वैसे शोकिया रखा हुआ टरला, ठीक है तो जी ये सारा व्यू जो मैंने आपको दिया है, ठीक है खोचों के नीचे मुर्गे आपको नज़र आ रहे हैं खड़े हुए माशाल्लाह सारे, तो सुबह सुबह का टाइम है, छत के ऊपर मैं आ गया था, मैंने कहा चलो इनको छोड़ देता हूँ आके, तो प्यारी सी वीडियो बना के मैं अपने भाइयों के साथ शेयर भी कर लेता हूँ, ठीक है ये देख सकते हैं सारा व्यू आपका। तो वीडियो से मतलब किसी किस्म का आपका कोई मसला हो, किसी किस्म की आपकी सवाल हो जो वो करने वाला हो, ठीक है कुछ भाई मुर्गों के मतलब मुझसे पूछते हैं कि एहसान भाई मुर्गे चाहेंगे, मौसम अब काफ़ी प्यारा हो गया, अच्छा मौसम अब हो गया, ठीक है तो जिस जिस भाई की जो भी डिमांड होगी इंशाल्लाह हम उन्हें देंगे, ठीक है व्हाट्सअप नंबर कमेंट के अंदर होता है सब भाइयों को पता है, जो भी जिस भाई की जो भी डिमांड हुई मुर्गों के मतलब मादियों के मतलब अंडों के मतलब हम अपने भाइयों की हेल्प करेंगे, ठीक है किसी किस्म का भी सवाल हो कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।